कोई जीतीए इलेक्शन नहीं है, ये एक टेंडर है। जिस तरह के विकास के काम में टेंडर जो है निकलता है, इसी तरह से 200 करोड़ में गोरखाओं को खरीदने के लिए ये टेंडर है। जीतीए कोई चुनाव प्रक्रिया है ही नहीं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जीतीए केवल कुछ चुनिंदा नेता और कुछ सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये जीतीए है। ये जीतीए जनता का जीतीए नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीतीए गोरखाओं के सपनों को पूरा नहीं करता, क्योंकि ये जीतीए हमारी आकांक्षाओं के एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं करता, क्योंकि ये जीतीए ना अपने आप में कोई कानून बना सकता है ना रूल बना सकता है। ये सिर्फ एक खाली डब्बा है जो सिर्फ 2-3 लोग इसको बजा करके घूमते हैं। जीतीए के माध्यम से 45 सभासदों को नौकरी मिल सकती है, 2-3 एग्जीक्यूटिव मेंबर के बॉडी को नौकरी मिल सकती है, लेकिन ये जनता का उद्धार कहीं से भी नहीं कर सकता। इसीलिए केंद्र सरकार की ओर से एक प्रतिनिधि होने के नाते जो भी बन पाएगा वो तमाम काम करूंगा ये जीतीए चुनाव ना हो। अगर फिर भी ममता दीदी और टीएमसी या उनके कुछ चुने हुए नेता जानबूझ करके जनता के खिलाफ जाकर के जीतीए को दोबारा थोपने का प्रयास करेंगे, उसको हम होने नहीं देंगे। कानून के रास्ते या सड़क में उतर करके जिस तरह से भी करना होगा हम इसका विरोध करेंगे। और 2017 में जनता ने खारिज किया था, तमाम भारतीय जनता पार्टी और हमारे अलायंस के जितने भी हमारे घटक दल हैं, हम इसको खारिज करते हैं। ये गोरखाओं के ऊपर में अन्याय और अत्याचार है। अब गोरखा बिकाऊ नहीं है, हमारे 2 या 4 नेता बिकाऊ हो सकता है, लेकिन गोरखा समाज बिकाऊ नहीं है। ये हम इस बार प्रमाणित करके ही रहेंगे। आप लोग क्या अंशग्रहण नहीं करेंगे जीटीए निर्वाचन में? मैं फिर वही बोल रहा हूँ भैया, जीतीए को चुनाव है नहीं, ये तो टेंडर है, हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो चुनाव लड़ेगा। देखिए, अगर कॉलेज का चुनाव लड़ना होगा उसमें भी इससे ज्यादा नियम कानून होते हैं, यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है। ऐसा जो डब्बा है जिसको जनता ने 2017 में डब्बे में डाल दिया है, डस्टबिन में डाल दिया है, उसको दोबारा से जिंदा करने का ये गलती हम अपने, ये कलंक हम समाज के लिए कभी नहीं कर सकते। राजीव जी, कल जो है 18 पार्टियों को मीटिंग बुलाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भी इस जीटीए की मीटिंग के लिए बुलाया गया, आप क्या पार्टिसिपेट करेंगे इस मीटिंग में? मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए है, क्योंकि हम हमारी पार्टी को भी पत्र मिला है, हमने स्पष्ट रूप से डीएम से भी और जो इसके अधिकारी है उनको भी पत्राचार कर दिया है। इन कारणों से हम जीतीए के किसी तरह चुनाव के जो भी प्री इलेक्शन मीटिंग होंगे उसमें भाग नहीं लेंगे। ये जनता की आकांक्षाओं पे खड़ा नहीं उतरता, और ये जो स्थायी राजनीतिक समाधान जो भारत सरकार बार बार बोल रही है जो संवैधानिक होगा, ये तो गैर संवैधानिक है, ये तो इलीगल है, ये तो भ्रष्टाचार वाला जीतीए है। जो संवैधानिक होगा, जो ईमानदार होगा, वैसे स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए दरवाजा खुला है। ममता दीदी, आप कुछ भी कर लें, स्थायी समाधान होगा, होके ही रहेगा, और वो भारत के संविधान के अंतर्गत होगा, वो देश हित में होगा, इस क्षेत्र के हित में। विमल गुरुंग से बातचीत हो रही है, ऐसा है, मैं यही कहूंगा, जो भी जीतीए का विरोध करेगा वो ईमानदार गोरखा है, वो जाति प्रेमी है, वो समाज प्रेमी है, वो सिलीगुड़ी तराई डुवर्स दार्जिलिंग प्रेमी है, ये मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ। मेरी विमल जी से कोई बातचीत नहीं है, 2020 या 2021 में जब से वो बंगाल है उसके बाद मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। अच्छे व्यक्ति हैं, जाति के प्रति ईमानदार है, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। लेकिन सर, 26 जून को जीटीए इलेक्शन होने का ये घोषणा कर दिया गया है, कुछ ही समय पहले, क्या बताना चाहेंगे? कुछ भी करने दो, मैं यही बता रहा हूँ, ये जीतीए कुछ सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जिसको भी लड़ना होगा लड़े,
हम मना कर नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है नहीं, पुलिस हमारे पास है नहीं, प्रशासन हमारे पास है नहीं, लेकिन खाली सड़क हमारे पास है, वो हम भी करके रहेंगे। और मैं एक बात और बता देता हूँ, चाहे कुछ भी कर ले टीएमसी या दीदी, कानून के अंतर्गत जो भी अधिकार हमको मिले हैं उसका हम प्रयोग करेंगे। केंद्र सरकार या भारत के संविधान के अंतर्गत जो हमें हमारा अधिकार मिला है उसका हम प्रयोग करेंगे। हम कोशिश करेंगे किसी तरह से भी ये जीटीए चुनाव ना हो, क्योंकि चुनाव में बहुत सारे पैसे और बहुत एनर्जी खर्च होता है, और जो अगले 6 महीने में जिसका अस्तित्व समाप्त होने वाला हो, मुझे लगता है आज चुनाव में जाके जनता का पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। देखिए, जीटीए कोई इलेक्शन नहीं है, जीटीए जो गिने चुने जो बंगालपंथी नेता हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके लिए टेंडर का एक प्रोसेस है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या हमारे अलायंस पार्टी के साथ ही हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं। हम किसी तरह का जो है रोड बनाने का काम नहीं करते, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए हम भाग नहीं लेते। जीटीए ये असंवैधानिक एक बॉडी है, न इसके पास कोई पावर है, न ये कोई कानून बना सकता है, न ये कोई रूल को फ्रेम कर सकता है, और ये गोरखा विरोधी भी है। और ममता दीदी गोरखाओं को लेकर वास्तव में ईमानदार है, तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, आपने महकमा परिषद अनाउंस किया, फिर आपने पहाड़ में पंचायत चुनाव इलेक्शन क्यों नहीं अनाउंस किया? इसका अर्थ ये है कि इस जीटीए टेंडर के प्रोसेस के अंतर्गत 200 करोड़ में आप दार्जिलिंग तराई डुवर्स की जनता को खरीदना चाहते हो, सड़क पे उतरेंगे, कानून का सहारा लेंगे, लेकिन जीटीए चुनाव को होने नहीं देंगे, उसके लिए हम पूरा प्रयास। दादा, बीजेपी क्या पार्टिसिपेट करेगी जीटीए में? मैं वही बता रहा हूँ, ये जीटीए इलेक्शन नहीं है, ये कोलेक्स के इलेक्शन तो फिर भी इससे ज्यादा स्टैंडर्ड तो होता है, तो उससे भी घटिया है, तो हम किसी तरह के टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दादा, देखा जा रहा है कि बिमल गुरुंग भी ये जीटीए इलेक्शन लेके थोड़ा राज्य, जो भी जाति प्रेमी होगा, जो भी समाज प्रेमी होगा, जो भी दार्जिलिंग तराई व्यूअर्स की जनता से प्रेम करेगा, वो सब जीटीए के अगेंस्ट में ही रहेगा। जिसको जो है 5 लीटर या 10 लीटर का सिंटेक्स भरना होगा, वो जीटीए टेंडर में जरूर जाएगा, उसको मैं रोक भी नहीं सकता। दादा, दूसरा ये अनुब्रत मंडल जो आज पेशी था सीबीआई कोर्ट में, मगर बोले कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सीबीआई में आज जो इंक्वायरी के लिए पेशी नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो ये है कि आज पश्चिम बंगाल सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भाग रहे हैं, वो कभी सीबीआई से लेकर के अलग अलग कोर्ट में भाग रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि इन्होंने पिछले दिनों जो पाप किया, अब वो पाप उजागर हो रहा है। लेकिन भारत में अभी भी कानून का राज है, चाहे कोर्ट हो चाहे सीबीआई हो, जिसने भी पाप किया है उसको भुगतना पड़ेगा। यहाँ के आप सबने सुना होगा, पूर्व के शिक्षा मंत्री वो भाग रहे हैं इधर से उधर, हाल के एडुकेशन के एमओएस अपनी बेटी को नौकरी में रख रखी है, कोर्ट ने तो ये तक भी कर दिया कि आप जो है पिछले 2 साल का आप जो है सैलरी वापस करो, स्कूल जाने से रोक लगा दी। मतलब ये भ्रष्टाचार का चरम सीमा है, इसलिए आज बंगाल आज डूबा हुआ है, 6 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। और आए दिन ममता दीदी सिर्फ घोषणाएं करती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ममता दीदी से लेकर के सारे नेतृत्व पूरी तरह सिर से लेकर पांव तक भ्रष्ट है।